झांसी के सलीमापुर घाट पर दबंगों द्वारा मोरम घाट पर किया कब्जा। कब्जाधारियों ने कैश वैम 11 को लूटा और 24 घंटे से कर रहे हैं खनन। पट्टा संचालक ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए विधायक के गुर्गो पर घाट पर कब्जा करने का लगाया आरोप। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र का मामला। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मैं संदीप कुमार, सुदेवपुर खटाल, खदान झांसी से। खदान हमारी मौसी जी शशि देवी, ग्राम सलेहपुर, गाटा संख्या 3 का नंबर है। इस खदान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो लोग विधायक ज्वाला राजपूत के आदि बता रहे हैं, और अधेय रूप से गद्दी पर कब्जा कर लिया है और ऐसा एक दो बार की ऐसा कर चुके हैं, और थाना और मैं थाना में शिकायत की है, थाने में शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर संबंधित कार्रवाई की जाए। संदीप कुमार, सलेहपुर घाट झांसी से। खदान हमारी मौसी जी शशि देवी, ग्राम सलेहपुर, गाटा संख्या 321 नंबर है। इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो लोग विधायक ज्वाला राजपूत के आदि बता रहे हैं, और अवैध रूप से गद्दी पर कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से लोडिंग करा रहे हैं, और ऐसा एक दो बार कर चुके हैं ऐसा, और थाना और मैंने थाना पूंछ में इसकी शिकायत दर्ज कराई हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि मैं 60 से 70 लाख रुपए प्रतिमाह रेवेन्यू जमा देता हूँ, सरकार को रेवेन्यू देता हूँ, और हम कल इस खदान को सिलेंडर कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदार विधायक जी के गुर्गे जिम्मेदार होंगे, और शासन प्रशासन से मेरी गुजारिश है इस पर सख्त कार्रवाई की जाए।